हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर का। फ्रेंड्स, आज की है हमारी वीडियो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इनक्रेडिबल फाइंडिंग्स पार्ट टू। फ्रेंड्स, सब चलिए सीधा शुरू करते हैं इस वीडियो को। डस्ट फ्रॉम सुपर। फ्रेंड्स, अर्थ से लगभग 11,000 लाइट ईयर दूर कैसीपिया ए नाम का एक कॉन्स्टलेशन है। करीब 3,140 साल पहले वहाँ एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और इसके रिमेन्स को हम आज भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमर स्पेशली उस हॉट क्लाउड से अट्रैक्टेड है जो ग्रहों और लाइफ के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माना जाता है कि इस तरह की अधिकतर धूल सुपरनोवा द्वारा निकले गए हैवी एलिमेंट्स से आती है। JWST की मदद से अब हम इसके रिमेन्स के छोटे छोटे टुकड़े देख सकते हैं जो सल्फर, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन से बने। फ्रेंड्स, ये आपको सुंदर नारंगी और हल्के गुलाबी रंगों की चमक दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इस पूरी इमेज में अगर आप देखें तो छोटे छोटे आपको ब्लैक स्पॉट्स भी नजर आ रही हैं। फ्रेंड्स, ये उन छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं जो गैस को भेदने की वजह से, मतलब एक पार्टिकल जो गैस को पेनिट्रेट करता हुआ चला गया। इन होल्स को बोला जाता है कॉस्मिक बुलेट होल्स। फ्रेंड्स, अगर ये भी आपके लिए इनक्रेडिबल नहीं है तो हम लाइट इकोज को भी देख सकते हैं जहां सुपरनोवा की ओरिजिनल लाइट स्पेस के आसपास के मैटर को एब्जॉर्ब और रीप्रोसेस करके इंफ्रारेड लाइट के रूप में हमें दिखाई देती है। फ्रेंड्स, सेकंड हमारी इनक्रेडिबल फाइंडिंग, नॉट हमारी, JWST की इनक्रेडिबल फाइंडिंग है सरपेंस नेबुला। फ्रेंड्स, ये नेबुला धरती से लगभग 1300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और ये पूरा एरिया 11 अरब मील से 16 अरब मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बहुत सारे यंग स्टार का जन्म स्थान है, नए स्टार्स यहाँ बनते हैं। नासा के JWST ने इस नेबुला में कई ऐसी बातें देखी जो नॉर्मली हमें नहीं मिलती, स्पेशली फ्रेंड्स अलाइंड प्रोटोस्टेलर आउटफ्लोज। फ्रेंड्स, जो स्टार नया बनता है तो वो गैस जेट्स प्रोड्यूस करता है एट रैंडम डायरेक्शन, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर ये सभी आउटफ्लोज सारे एक ही डायरेक्शन में थे जो अब से पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके अलावा वहाँ पर एक बैट शेडो भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लेनेट बनाने वाली एक डिस्क जो पंखों की तरह आपको फड़फड़ाती हुई नजर आती है ना, कमाल की। फ्रेंड्स, हार्ट ऑफ आवर मिल्की वे। फ्रेंड्स, JWST की मदद से हमें हमारी आकाशगंगा के घने केंद्र के बारे में और अधिक जानकारियां मिल रही हैं। टेलीस्कोप का नियर इंफ्रारेड कैमरा उसने हाल ही में सेजिटेरियस सी स्टार के क्षेत्र की सबसे विस्तृत इमेज कैप्चर की है। फ्रेंड्स, सेजिटेरियस सी मिल्की वे के सेंट्रल सुपर मैसिव ब्लैक होल से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस इमेज में हम लगभग 5,00,000 स्टार्स को देख सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि कुछ रहस्यमय संरचनाओं ने एस्ट्रोनॉमर्स को भी चौंका दिया हो। इनमें से कुछ सुई जैसी संरचनाएं, मतलब पिनहेड टाइप, फ्रेंड्स, जो आयनाइज्ड हाइड्रोजन में बनी है और सभी नॉन पैटर्न्स, अब तक जो पैटर्न देखे गए हैं उन सबको ये चैलेंज करती है और ये पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी थी। और इतना ही नहीं, एक प्रोटोस्टार्स का क्लस्टर है जो अभी बनने की प्रक्रिया में है और मास गेनिंग कर रहा है, मतलब फ्यूचर में यहाँ पर स्टार्स अभी बनेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिस्कवरी की तरफ। और अगर आप स्पेस के बारे में यानी यूनिवर्स के बारे में थोड़ा शौक रखते हैं तो आपने एक वर्ड शायद सुना हो, जम्बोस। फ्रेंड्स, जम्बो वो नहीं जो इंडिया में कहते हैं हाथी। फ्रेंड्स, जम्बो की फुल फॉर्म है जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ये वाइल्ड फ्री फ्लोटिंग प्लेनेटरी मास बाइनरी सिस्टम है जो ओरायन नेबुला में स्थित है। धरती से लगभग 1350 लाइट ईयर्स की दूरी पर फ्रेंड्स जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लगभग 40 ऐसे जम्बोज को ढूंढा है। ये पहले कभी नहीं देखे और हर एक में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि डबल प्लेनेट कह सकते हैं, मतलब एक ऐसा तारा है जो कभी तारा ही नहीं बना, उसमें इतना मास नहीं है, लेकिन एक जुपिटर जैसा वो एक प्लेनेट जैसा कुछ बन गया, लेकिन बाइनरी। फ्रेंड्स, इसका मास जुपिटर के मास का 14 गुना तक हो सकता है। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट किसी भी तारे से बंधे हुए नहीं है, बस यूं ही इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने कार्ल जेंस्की नामक सुपर पावरफुल टेलीस्कोप का यूज करके ऐसे रेडियो सिग्नल्स का पता लगाया है जो एक जम्बो सिस्टम से आ रहे हैं।
जिसे जंबो 24 सिस्टम कहा जाता है। फ्रेंड्स ये रेडियो सिग्नल स्टेबल है और बाइनरी सिस्टम के दोनों साइड से आ रही है। ये थोड़ा सा शॉक क्योंकि जंबोज में बाइनरी सिस्टम के रूप बन नहीं सकते, अगर बनते हैं तो वो साथ रह नहीं सकते, तितर बितर हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपनी अगली इनक्रेडिबल खोज। फ्रेंड्स साइंटिस्ट स्टार्स बनने की प्रक्रिया को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन स्टार्स बनते कहाँ? हाईली डेंस क्लाउड्स के अंदर। फ्रेंड्स वहाँ गैस इतनी ज़्यादा डेंस होती है कि वहाँ से लाइट आ ही नहीं पाती, वो वहीं रुक जाती है, जिससे हम ये देख ही नहीं पाते कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ मदद की JWST ने, क्योंकि इसकी इंफ्रारेड रेडिएशन उस धूल को पेनिट्रेट करके हमें कभी ना देखी गई डिटेल्स दिखाती है। उदाहरण के लिए रियो ओपिची कॉम्प्लेक्स को ही ले लीजिए। फ्रेंड्स जो धरती से 390 प्रकाश वर्ष की दूरी पर टेलीस्कोप ने कुछ एक्सप्लोजन्स कैप्चर किए हैं, जिसमें करीब 50 यंग स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से कई का मास हमारे सूरज के मास के बराबर है। अगर जेम्स वेब नहीं होता तो हम एक ब्लैक इमेज को ही देख पाते। लेकिन फ्रेंड्स सबसे हैरानी की बात ये कि टेलीस्कोप की इमेजेस ने दर्जनों यंग लो मास वाले स्टार्स को भी कैप्चर किया, साथ ही उन हाई स्पीड गैसेस और पार्टिकल स्ट्रीम्स को भी जो वहां से एमिट हो रही है और आसपास के मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्लाउड को लाइट अप कर रही है। फ्रेंड्स उम्मीद है आज की मेरी प्रेजेंटेशन जरूर आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक शेयर और YouTube चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। आपके कमेंट सजेशंस बिल्कुल इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।